जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि रस रसायन कीमिया और हमारे चिकित्सा में अगर पारे के बाद कोई दूसरा नंबर आता है तो वो गंधक आता है। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर इन दोनों को सिद्ध कर लिया जाए, गंधक को साफ कर लिया जाए, पारे को सिद्ध कर लिया जाए, तो ये औषधि रूप में भी एक रस यानी कि अमृत बन जाता है और रस रसायन और कीमिया के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ी अक्सीर बन जाती है। गंधक को आयुर्वेद के अंदर, शास्त्र के अंदर पार्वती का रस कहा गया है और जो हमारा पारा है उसको शिव का वीर्या कहा गया है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर बच्चा पैदा हो जाता है। मान के चलिए रसायन के अंदर कहें तो गोल्ड का निर्माण होता है, मगर उस दोनों को मिलाने के लिए अलग अलग विधियां, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। असल में आज हम गंधक को शुद्ध करने जा रहे हैं और गंधक को शुद्ध करने में क्या क्या इसके अंदर आपको चाहिए, आज हम वीडियो में यही बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज हम गंधक को शुद्ध करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हमने सबसे पहले, आप अपनी आवश्यकता अनुसार गंधक ले सकते हैं, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, जितनी भी आपको चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप अच्छे वैद्य हैं, गंधक का आपको ज़्यादा इसकी ज़रूरत रहती है तो आप 1 किलो तक भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए देसी घी। गंधक को शुद्ध करने के अलग अलग तरीके हैं दोस्तों। आप देसी घी में भी इसका वर्णन है, रस जड़ियों बूटियों के रस में भी इसको शुद्ध किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा किन किन बूटियों में इसको शुद्ध किया जा करके अक्सीर कर दर्जा रखती है गंधक, जिससे आप रस रसायन यानी कि कीमिया भी सिद्ध कर सकते हैं और आप अपने औषधालय के अंदर लोगों की, मरीजों की सेवा भी कर सकते हैं और उनको आराम भी दे सकते हैं। तो आज हम गंधक को शुद्ध कर रहे हैं देसी घी के अंदर। हमने यहाँ पे गाय का प्योर देसी घी लेना है। दोस्तों कोई भी, अगर आप विधि विधान से काम करते हैं ना, कोई भी आप कोई भी औषधि बनाते हैं, अगर उसको सही तरीके से बनाएंगे, सही विधि विधान से बनाएंगे तो वो औषधि में बिल्कुल वो 100% कार्य करती है। तो यहाँ पे गंधक के लिए आपको देसी घी लेना है, वो भी गाय का जर्द घी होता है। थोड़ा इसमें कुदरती तौर पर गंधक पाई जाती है, रोगन जर्द जिसके कहा जाता है। तो ये देखिए, अभी इसमें मैं 5-4 बजावे दे चुका हूँ। इस दूध का कलर देखें, एकदम येलो हो गया। इसके अंदर जो घी है उसकी मात्रा काफ़ी हद तक आ जाती है। तो आपने जैसे 250 ग्राम गंधक लेनी है तो आपके पास 125 ग्राम घी होना चाहिए। उसको एक कढ़ाई में डालें, कढ़ाई में डालने के बाद उसके नीचे आग जलाएं। इसके अंदर जो आपको पात्र लेना है वो लोहे का लेना है और आग बिल्कुल धीमी रखनी है ताकि आपकी गंधक जो है पिघली रहे। यही एक दस्तकारी का काम है। अगर आपकी आग तेज हो गई तो आपकी गंधक जल जाएगी, घी के अंदर सारी जो आग लग जाएगी तो आपका जो व्यर्थ हो जाएगा सारा सिस्टम। इसलिए आग कभी भी जल्दबाजी में ये काम नहीं किए जाते। बिल्कुल सुकून के साथ, बिल्कुल आराम के साथ अपने अल्लाह मालिक वाहेगुरु को याद करके ये कार्य किया जाता है। तो ये देखें, अभी हम इसमें गंधक डाल रहे हैं। पहले देसी घी डाला हुआ था, अब ये गंधक, जैसे ही गंधक पिघलेगी इसको हम देसी घी, दूध, गाय का दूध, उसके अंदर इसको बजावा देंगे। ये देखें आप, इसमें गंधक और घी आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये जर्द रंग का घी होता है और इसमें कुदरती तौर पर भी गंधक पाई जाती है। तो इसमें जो गंधक बनती है बिल्कुल अक्सीरी बनती है। हमने यहाँ पे इसको आज 7 बजावे देने हैं, 7 बार इसको घी में तर करके दूध के अंदर छोड़ना है। इसके आगे ग्रंथों में इसको 21 बार, 31 बार, 51 बार, 101 बार तक ग्रंथकारों ने लिखा हुआ है। जितना आप इसको अक्सीरी करना चाहते हैं उतने बजावे आपको देने पड़ेंगे। इसके अंदर उतनी ही इसकी गुणवत्ता, इसके दो गुण जो हैं बढ़ते जाएंगे, इसके दोष जो हैं वो कम होते जाएंगे। गंधक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीट
क्या कहते हैं कंकर पत्थर और बहुत सारे जो इसकी औषधियाँ हैं इसके अंदर कार्बन होती है वो रहती है। जब इसको आप देसी घी के अंदर मेल्ट कर लेते हैं पूरी तरह पिघलाकर इसको पानी की तरह बना लेते हैं, फिर आप एक बर्तन में गाय का दूध डाल लें, उसके ऊपर एक कपड़ा, पीछे अपने वीडियो में जैसे देखा था कपड़ा रखना है, उस कपड़े के ऊपर से ये जब गंधक डालेंगे तो इसके अंदर जो भी औषधियाँ हैं अशुद्धियाँ हैं जो इसके अंदर कंकर पत्थर कार्बन वो जो सब है वो उस कपड़े के ऊपर रह जाएगा और ये गंधक पिघलकर बिल्कुल नीचे सतह में फिर जम जाएगी। उसको पानी से धो लें, गर्म पानी आपके पास होना चाहिए, उस गर्म पानी के साथ उस गिरी हुई जो गंधक नीचे दूध के अंदर जाके डल गई जम गई है उस दूध के अंदर से निकाल के गर्म पानी से धोएंगे। उस गर्म पानी से धोने के बाद फिर इसको अच्छी तरह सुखाकर फिर इस तरह देसी घी में मेल्ट करेंगे, फिर इसको घी में बजाएंगे, इस तरह इसको बजावा देना कहते हैं। ऐसा आपने अपने, मैं तो इसको 7 बार कर रहा हूँ, आप इसको आगे भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसको औषधि के लिए यूज़ करना है और ये रसायन में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके आगे हम इसको तेल बनाने की विधि भी आपको बताएंगे, इसी गंधक को तेल कैसे बनाया जाता है और उसको रसायन के अंदर यूज़ किया कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपने देख लिया देसी गाय के देसी घी यानी कि जो पका हुआ घी होता है उसके अंदर गंधक को कैसे शुद्ध करते हैं और गाय के दूध के अंदर इसको बजावा देते हैं। फिर ये गंधक खाने के लिए भी बहुत बढ़िया अक्सीरी काम करती है। ये खास खुजली जो आप हमारे दाद चंबल सोराइसिस कोढ़ बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स को कैंसर तक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर इसको पारे के साथ कजली बनाकर यूज़ किया जाए तो ये अमृत बन जाती है। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो ये ख़त्म नहीं करती। अलग अलग योगों में फिर इस कजली को यूज़ किया जाता है, जैसे आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे रस बनाए जाते हैं। और अगर आप इस गंधक को और जड़ी बूटियों के साथ, एक मैं आपको तेल का एक नुस्खा याद आ गया मेरे को बताता हूँ। आप ये जो जल धनिया होता है उसको 10 ग्राम ले लें, उसका 10 ग्राम मुकत्तर पानी आपके पास होना चाहिए और 10 ग्राम आप गंधक लें। गंधक और जल धनिया के पानी को खरल करें, एक पुराना कांसे का प्लेट या कटोरा, जो पुराने पहले कांसे के बर्तन आया करते थे वो बर्तन आपके पास होना चाहिए, उसमें गंधक और इसकी पेस्ट बनाकर इस जल धनिया की पानी के साथ उस पेस्ट को तांबे के बर्तन में लगा के उसको एक तरफ से थोड़ा ऊंचा कर दें, यानी कि प्लेट के नीचे या प्लेट या कोई भी बर्तन लेते हैं एक तरफ उसके नीचे थोड़ा सा कोई छोटा सा पत्थर लगा दें ताकि एक तरफ से ऊंचा हो जाए, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसका जो तेल है वो अपने आप टपकना शुरू हो जाता है थोड़ी देर में। ये भी एक अक्सीरी तेल बनता है गंधक का, ये अपने आप जड़ी बूटी की सहायता से बिना आग के बनता है। ये बहुत बढ़िया अक्सीरी तेल होता है, इसको भी बना सकते हैं आप। इसके अलावा आप अगर आप इस जैसे मैं कर रहा हूँ इस घी के साथ, ये देखिए घी को पिघलाकर गंधक को मैं दूध में डाल रहा हूँ, इस तरह आप नहीं करना चाहते, घी से बचना चाहते हैं, घी का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो आप भृंगराज बूटी होती है, भृंगराज को सभी जानते हैं, जब मैं इसकी तस्वीर भी लगा देता हूँ भृंगराज बूटी, ये आप जैसे देख रहे हैं, इस भृंगराज बूटी का रस निकालें, उसको मुकत्तर करें और इस रस को किसी नीचे हांडी में या किसी बर्तन में डालें, ऊपर से इसी तरह गंधक पिघलाकर इस रस में डाल दें। इसमें आपने घी नहीं लेना, सिर्फ गंधक को ही पिघलाना है। तो ये भृंगराज के अंदर आप अगर 7 बजावे दे देते हैं तो ये गंधक भी आपकी अक्सीरी बनती है। कीमिया के अंदर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये देखें आप इस गंधक, इस दूध को देखें, इसकी रंगत को देखें, ये घी देसी घी के कारण ये दूध बिल्कुल पीला हो चुका है। और इस घी भी ये दिव्या है, इस घी जो ये दूध है इसको फेंकना नहीं होता। बहुत सारे भाई इस दूध को इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, इसको फेंकना नहीं है। ये दूध जो आपका है इसको आप किसी बर्तन में डाल के लस्सी का जामन लगा के इसमें से जो आप ये घी जो नीचे जा रहा है इस घी को दोबारा हासिल कर सकते हैं। जिनको खाज खुजली दाद चंबल उसको एक्सटर्नल लगवा सकते हैं, इसी घी की 2-3 बूंदें
आप दूध के साथ ले सकते हैं, जिसके हार्ट के वाल ब्लॉक हो जाते हैं वहाँ पे काम करती है, आपके बाल झड़ते हैं वहाँ पे काम करेगी। बाल तो मेरे भी झड़े हुए हैं ऊपर काफ़ी देर पहले के। तो इसके अलावा ये देखिए, ये गंधक को मैंने 7 बजावे देने के बाद ये इस तरह का कलर आ गया इसका। अभी इसको और बजावे दूंगा तो ये वाइट वाइट होती जाएगी, मगर हमको सिर्फ यहाँ तक ही करना था। ये गंधक एकदम अक्सीरी बन गई है, खाने के लिए ये अमृत के समान है। और भी बहुत सारी बूटियां हैं जिसमें गंधक को बजावे दिए जाते हैं तो वो गंधक अक्सीरी बन जाती है। सबसे बढ़िया जो देसी घी के अंदर गंधक शुद्ध होती है, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, भाई कमेंट में करते हैं कि आप अपना प्रैक्टिकल डालें तो ही मज़ा है। तो आज मैं ये आपका अपना प्रैक्टिकल भी डाल रहा हूँ। आगे हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जो नीले पारे की गोली को इसी गंधक का लेप करके हरड़ के साथ उसको आग देंगे, उसका भी प्रैक्टिकल बताऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा क्या वो कैसा नुस्खा बनता है वो भी सारा। तो आगे की वीडियो में हम वो प्रैक्टिकल तांबे पारे की, जो नीले पारे की गोली है, उसको इसी गंधक का लेप करके बनाएंगे। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कोई आपकी जानकारी बढ़ती है, एक्सपीरियंस कोई आपका बढ़ता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए ज़्यादा या लंबी बात करनी हो तो कृपया आप व्हाट्सएप पर अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें, टाइम मिलते ही मैं आपको उसके ऊपर जवाब दूंगा। कृपया कॉल मत कीजिए, कॉल करने से डिस्टरबेंस होती है। कई लोग तो भाई 1 बजे, रात के 2 बजे भी कॉल कर देते हैं, जब वीडियो देख रहे होते हैं वो टाइम भी नहीं देखते कि रात का टाइम कितना हो गया, उसी टाइम कॉल कर देते हैं। तो कृपया टाइम का ख्याल रखें, हमारा भी जीवन है, हमने भी सारा दिन काम किया होता है, सोना होता है। रात को 2-2 बजे हम आपका फ़ोन नहीं उठा सकते, और फ़ोन उठा आने से दूसरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो कृपया फ़ोन करने से गुरेज करें, जो भी आपका मैसेज है उसको व्हाट्सएप पे डाल दें, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और नंबर 2 पे जो लोग पूछ रहे थे कि भाई अपना रिकमेंड के जवाब, जो एक्सपीरियंस कह रहे थे अपना डालें, तो जो भी आपका कोई प्रैक्टिकल है, आपने किया है अधूरा है, या कोई ऐसा जो आप एक्सपीरियंस अपना करवाना चाहते हैं तो वो भी मेरे को डाल दें, उसको मैं आपके प्रैक्टिकल करके आपकी वो वीडियो बना के आपको डाल दूँगा। और भी कोई आपका जानकारी लेना चाहें तो आप मेरे उस व्हाट्सएप के नंबर पर, या फिर अपने इसी यूट्यूब के ऊपर कमेंट छोड़ दें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं थोड़े दिनों के बाद। ओके, धन्यवाद।